आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। ये फ़ोटोज़ आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ये लोग इन पॉली बैग्स के अंदर एलपीजी गैस लेकर जा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और डेवलप्ड देशों से पैसे मांगता रहता है? कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिस्टेक नंबर वन, मिलिट्री रूल ओवर सोसाइटी। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी में बहुत बड़ा अंतर है। इंडियन आर्मी अपने लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की आर्मी अपने लिए। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा। पावर्स मिलिट्री के जनरल के पास हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 1947 के अंदर। आज़ादी के बाद दो देश बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दो महीने बाद ही दोनों देश युद्ध में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहा जाता है। इस वॉर का पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप डर डर कर जीने लगी। उन्हें लगा इंडिया हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी हुआ कि उनका 70% बजट सिर्फ मिलिट्री के ऊपर खर्च होता था। जैसे जैसे मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल हुई, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। 1954 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में धकेल दिया। दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? एक एंशियंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने के लिए जो शायद एग्जिस्टिंग लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हों। ये ऐसे स्टेप होते हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हों लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। डॉक्ट्रिन इमरजेंसी की तरह है जो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होनी चाहिए। और एक बार लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ, पावर फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जानी चाहिए। पाकिस्तान के उस समय के गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उनका कहना था पार्लियामेंट पाकिस्तान के लोगों को सही से रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ दिनों बाद ही गवर्नर जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी पोस्ट से हटा दिया। हाई कोर्ट ने कहा गवर्नर जनरल ऐसा नहीं कर सकता, वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल का साथ दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंदर इसे लीगल माना। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बार बार डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल गवर्नमेंट को हटाने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को हटाने के लिए किया और कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान स्पेंडिस 30 ईयर्स अंडर द मिलिट्री रूल। एक के बाद एक जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर को अपने हाथों में ले लिया। लोगों का परसेप्शन भी ये बन गया था कि मिलिट्री पॉलिटिशियन से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं। पॉलिटिशियन सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में व्यस्त हैं। इस देश को आगे बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। सही पॉलिसीज़ पर फोकस करने का काम मानो किसी से हुआ ही नहीं। 2009 में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन को रोक दिया, बट जब तक बहुत देर हो चुकी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। मिस्टेक नंबर टू, वन यूनिट पॉलिटिक्स एज डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनका कल्चर है, भाषा एक दूसरे से अलग अलग है, वैसे ही एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 अलग अलग प्रोवेंसेस थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, न्यू फ्रॉन्टियर एंड बलोचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिसने सारे प्रोवेंसेस को एक एंटिटी बना दिया गया। आइडिया ये था पावर को एक हाथ में कंसंट्रेट करेंगे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगी, डिसीजन फास्ट लिए जा सकेंगे और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी। पीपल्स बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज लॉस्ट। डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन कुछ ही जगहों पर। रिमोट एरियाज वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। 1950s के अंदर पाकिस्तान की लैंग्वेज बनी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का आधा ईस्ट पाकिस्तान देता था। ऑन द अदर हैंड वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्ट करता था, अर्निंग कम और स्पेंड ज़्यादा। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई जो नेशन की वेल्थ कंट्रोल करती थी और ये सारी थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मिस्टेक नंबर थ्री, एक्सट्रीमिज्म का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर ने पाकिस्तान का फ्यूचर बदल कर रख दिया। इन्होंने 1977 में एक मिलिट्री कूप किया, वे खुद एक प्रेसिडेंट बन गए और नाम था इसका ज़िया उल हक। अंडर द रूल ऑफ जिया उल हक पाकिस्तान वॉज रेडिकलाइज। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक फोर्स तैयार की जिसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को $5.3 बिलियन दिए और आज ये तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है।